हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं हेडफोन। ये बोट के हेडफोन्स हैं, मॉडल है रॉकेट 450। तो ये जो हेडफोन्स है दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है, और जब हम इसे चार्जिंग में लगाते हैं तो ये सिर्फ रेड लाइट ग्लो करता है। तो आज हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर में आने वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों ऑन नहीं होते हैं, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं आप कि ये ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जो मेन बोर्ड का एरिया है खोलेंगे। अब इसमें बैटरी की टर्मिनल्स पर चेक करेंगे कि बैटरी के पावर्स आ रही है नहीं आ रही है। तो इसमें बैटरी की भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता हो कि बैटरी की वायर जो है ऐसे जो बैंडिंग एरिया है यहाँ से टूट गई हो, ये भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसका मेन बोर्ड एरिया चेक करेंगे खोल के। इसमें एक ऐसी अलग सी बैटरी यहीं से डायरेक्ट लगा के चेक कर लेंगे हम चार्ज। अगर ये ऑन हो रहा होगा तो इसका मतलब जो है या तो बैटरी ख़राब है या फिर ये जो आपका जॉइंट से किसी वायर टूट गई है बैटरी की। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो कुशन है हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो चीज़ है ये चीज़ ऐसे हट जाएगी। वैसे दोस्तों इसे खोलने के लिए आपको सबसे पहले जो है इसे हटाना होगा, ये जो आप देख रहे हैं मेटल की शील्ड, इसको हटाना होगा। इस पर आईपी पेट्रोल या थीनर डाल के आप इसका जो ग्लू है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए आराम से निकल गई है। उसके बाद हम सारे ये स्क्रूज को ओपन कर लेंगे इसके। दोस्तों इस साइड से स्पीकर निकाल सकते हैं आप, और ये इस साइड से ये खुल जाएगा पूरा। ये देखिए सबसे पहले हम बैटरी टर्मिनल्स में बैटरी की पावर चेक करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं मिली वोल्ट में है। हमें जो है कम से कम 3.5 वोल्ट्स चाहिए स्पीकर को ऑन होने के लिए। तो चलिए जो हम इसका जो बैटरी टर्मिनल जो है निकाल देते हैं, ये जो बैटरी के वायर्स हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं ये बैटरी हम लगाते हैं इसका। ये बैटरी दोस्तों देख लेते हैं कितनी चार्ज है। ये भी बैटरी चार्ज होनी चाहिए अगर आपको ऑन करना है तो। देख सकते हैं दोस्तों ये 3.8 वोल्ट चार्ज है। तो अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं ज़रा। ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया है, इसका मतलब जो है इसकी या तो बैटरी ख़राब है या फिर इसकी वायरिंग टूट गई है। अब हमें दूसरा वाला सेक्शन भी ओपन करना होगा ये चेक करने के लिए। तो अब जो है हम इसको हटा देते हैं, इसको वापसी लगा देते हैं। अब ये वाला सेक्शन हम ओपन करते हैं इसका, इसे भी इसी तरीके से खोलेंगे।
देखिए दोस्तों, इसमें जो है बैटरी के जो है ये टर्मिनल है ये निकल गया है इसमें ग्राउंड का। अब जो है इसको हम जोड़ के देखते हैं, मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पर भी एक वायर जो है टूटी हुई है। तो हालांकि दोस्तों ये बैटरी की ही दिक्कत होती है ऐसे केस में ज़्यादातर, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए दोस्तों ये ऑन हो गया है, तो हम जो है इसको पैक कर लेते हैं, ये वाली वायर हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों इसमें जो है बैटरी की वायर टूटी थी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो। ज़्यादातर केस में ऐसे वायर नहीं टूटती है, बैटरी ख़राब हो जाती है या फिर ये जो एरिया है इससे वायर टूट जाती है, ये एरिया इससे वायर टूट जाती है। तो आपको कुछ करना नहीं है कि आपको जो है यहाँ से वायर चेक करनी है कि यहाँ से वायर की कनेक्टिविटी आ रही नहीं आ रही है। अब बैटरी इस केस में सही थी तो बैटरी जो है आप ऐसे ही रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो आप इसमें कितने भी एमएच की बैटरी लगा सकते हैं, जो बैटरी इसमें फिट आ जाए अच्छे से आप उतने एमएच की बैटरी लगा सकते हैं, चाहे वो 100 एमएच की हो, 200 एमएच की हो, 500 एमएच की हो। पर दोस्तों जितना बड़ा केस है आपका, ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा एमएच को बढ़ाते हैं बैटरी का साइज़ भी बढ़ता रहता है। तो इसकी बॉडी के हिसाब से आप इसमें कोई भी बैटरी फिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।